हमारे छत्तीसगढ़ में जलवायु की स्थिति का मुख्य कारण लोगों ने बताया कि यहाँ लगातार जंगल की कटाई हो रही है, बड़े बड़े बांध बन रही है और बांध बनने की जो स्थिति है वो बढ़ रहा है और बांधों का पानी कंपनी और फैक्ट्री को जा रही है। जो लगातार यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री आ रही है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्यावरण का विनाश हो रहा है। अब बहुत कम वर्षा होते हैं, पहले बहुत वर्षा होती रही से, अब जगह जगह बांध, जगह जगह नाला, जगह जगह कंपनी के कारण से पानी कम होते, ते कारण से हमला अच्छा फसल भी नहीं मिल पाते। अभी वर्षा के समय तो पानी नहीं गिरत है, खूब धूप पड़त है, गर्मी है तो अपन शरीर में पूरा प्रकोप आते गर्मी से। हमारे भविष्य संकट में है, जंगल की कटाई हो रही है, जगह जगह खदाने बन रहे हैं, जगह जगह कंपनी बन रहे हैं, इस कारण से जल स्रोत नीचे आ रहा है और ठंड भी बहुत कम लगता है। गर्मी हो जाने से मनुष्यों में बुरा असर हो रहा है और बीमारी धीरे धीरे अपने आप में उच्च स्तर को बढ़ती जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी में लगातार 2 साल से अकाल हो रहा है जिसके कारण लोग लगातार पलायन करने के लिए बाहर जा रहे हैं। खेती किसानी के प्रति जो रुझान था वह धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ों का कटाई हो रहा है और वनों का भी कटाई हो रहा है, जिससे अधिकतर जो हमारे गांव के आसपास जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए बाहर प्रवास कर रहे हैं। भविष्य में अगर ऐसा होता है तो इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो, लेकिन विकास होने के बाद मतलब आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा विकास का कोई मतलब नहीं है जिसमें आम जनता का हित हो, ऐसे ही विकास करने की ज़रूरत है और जलवायु को संतुलन बनाने की ज़रूरत है। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।